हेडिंग लिखो सक्रियता श्रेणी के उपयोग। सक्रियता श्रेणी के उपयोग सक्रियता श्रेणी के उपयोग हो गया। अब देखो क्या होगा इसमें। पहला उपयोग तो हमारा वही हो गया था इनकी जल से क्रिया जानने में, क्योंकि जब तक सक्रियता श्रेणी नहीं जानेंगे तब तक हम जल से क्रिया नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा था जो धातुएं होती हैं जल से क्रिया दो प्रकार से करती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि लिथियम से आयरन तक की धातुएं जल से क्रिया करती हैं। कहां से कहां तक की? लिथियम से नहीं, सुनो तो ध्यान से, पहले लिथियम से आयरन तक की धातुएं जल से क्रिया करती। हमने ये कहा, हमने तो ये नहीं कहा ठंडे या गर्म से क्रिया करती। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में जो लिथियम से आयरन तक की धातुएं हैं उनकी क्रिया किससे होती है? जल से होती है। ठीक है, लेकिन बीच में बाउंडेशन लगा एमजी, तो एलआई से एमजी तक जो थी वो ठंडे, एमजी से ऊपर ना, एमजी से पहले तक थी, एमजी से पहले क्या था? एनए। तो एलआई से जो एनए तक की धातुएं थी वो ठंडे जल से क्रिया करती थी और अपना हाइड्रोक्साइड बनाती थी, अर्थात वो एच समूह जोड़ती थी और क्या बाहर निकालती थी? एच टू गैस बाहर निकालती थी। लेकिन एमजी से शुरू हुआ और कहां तक? एफई तक। ये गर्म जल से क्रिया किया, अपना ऑक्साइड बनाया और क्या निकाला बाहर? एच टू गैस बाहर निकाला। ठीक है, तो ये प्रकार से इनकी क्रिया हुई थी, इसको याद कर लेना हमें। दूसरी क्रिया अब इसमें समझते हैं, इससे हम और क्या पता लगा सकते हैं इसका उपयोग से, धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में। इसका उपयोग क्या हो सकता है? धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी हमको याद है तो हम धातुओं की सक्रियता बता सकते हैं किसकी अधिक होगी और किसकी कम होगी। तो धातुओं में सर्वाधिक सक्रियता किसकी होती है? लिथियम की होती है। अर्थात की जाने वाली क्रियाओं में सबसे तेज क्रिया किसकी होगी? लिथियम की होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है? पोटेशियम। अर्थात पोटेशियम की क्रियाशीलता अधिक होती है, वहां हमने देखो पढ़ा भी था जो के ओ एच होता है एन ए ओ एच से प्रबल होता है। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? के ओ एच की प्रबलता एन ए ओ एच की प्रबलता से अधिक थी, तो यहां से हम व्याख्या कर सकते हैं उसकी कि पोटेशियम ऊपर है इसलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, सोडियम नीचे इसकी उसकी क्रियाशीलता कम होगी। इस प्रकार से कुछ था ना, तो ये याद रखे रहना। चलो आगे आते हैं, हेडिंग लिखो नीचे। हेडिंग लिखती है क्या? लिखे सक्रियता श्रेणी के उपयोग। पहला नंबर, पहला नंबर धातुओं की हेडिंग है, धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में। सक्रियता या क्रियाशीलता दोनों लिख सकते हो। धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में, किताब दो, धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में हो गया ना। तो धातुओं की सक्रियता कैसे होगी, ज्ञात होगी? लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में हो गया, ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं और नीचे स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, और नीचे स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती हैं
नीचे स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, हो गया ना? आगे लिखना लाइन छोड़ के। सक्रियता श्रेणी में नीचे जाने पर, सक्रियता श्रेणी में नीचे जाने पर, सक्रियता श्रेणी में नीचे जाने पर सक्रियता श्रेणी में नीचे जाने पर हो गया। धातुओं की सक्रियता घटती जाती है, सक्रियता श्रेणी में नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती जाती है। हो गया, पता पता हो गया। काली पेन से लिखना आगे। पता एमजी जेडियन काम करके लिखना। एमजी जेडियन एल एनए एमजी जेडियन एल एनए हो गया, कॉमा सी यू कॉमा एफ ई की सक्रियता का घटता क्रम, की सक्रियता का घटता क्रम। अब देखो यहां पे घटता क्रम पूछ लिया ना, और तुम कब जानते हो घटता क्रम? जब ऊपर से नीचे जाओगे तो इनका घटता क्रम लिखना है, तो तुम इनको ऊपर से नीचे व्यवस्थित कर दो, तो पूरी रासायनिक श्रेणी नहीं लिखनी हमको। ये जितना दिया गया इसमें जो सबसे ऊपर है उसको सबसे पहले, जो उससे नीचे उसको उसके बाद, जो उसके नीचे उसको उसके बाद, ऐसे लिखते चलेंगे। तो जितनी दी गई इसमें सबसे ऊपर कौन है? सोडियम है, तो घटता क्रम में पहले लिखेंगे हम सोडियम। घटता क्रम में क्या लिखेंगे पहले? सोडियम। और चूंकि सोडियम का इसमें अधिक है ना, तो इसलिए इसकी मुंह खुला रहेगा। घटता क्रम बोले तो मुंह खुला हुआ चलता है ना पीछे, तो क्या हो गया? सोडियम। सोडियम से नीचे कौन है? मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर श्रेणी तो नहीं होता इसमें जो दिया वही बता रहे हो ना? एल्यूमिनियम के नीचे जेडियन, फिर एफयू, उसके बाद इस प्रकार से। तो सक्रियता श्रेणी में तुम देख रहे होगे कि जितना हमको दिया गया था इन सब में एल्यूमिनियम, ये सोडियम सबसे ऊपर था और कॉपर क्या था? सबसे नीचे था। तो जितने तत्व दिए गए इनमें सबसे अधिक सक्रियता सोडियम की है और सबसे कम सक्रियता किसकी है? कॉपर की है। तो इस प्रकार से तुमको चार तत्व दे दिए जाएंगे और बोल देगा इनको सक्रियता के घटते या बढ़ते क्रम में लिखो। अभी यही बोला होता कि सक्रियता के बढ़ते क्रम में लिखो। सक्रियता कब बढ़ती है? जब हम नीचे से ऊपर आते हैं ना, तो इनको नीचे से ऊपर देखना पड़ता, अर्थात जो नीचे उसको पहले और जो सबसे ऊपर है उसको बाद में, ठीक है ना? अर्थात इसी को हम क्या कर देते? उल्टा कर देते। मतलब अगर इसी का बढ़ता क्रम पूछ दिया जाए तथा इनकी सक्रियता का बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा? इसी को उल्टा कर देंगे, पहले कॉपर अब मुंह बंद होके चलेगा क्योंकि आगे जाने बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये छोटा आगे वाला इससे बड़ा है। कॉपर एफई जेडियन एल एमजी उसके बाद एनए, इस प्रकार से हो जाएगा। तो घटता क्रम पूछा तो पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, अर्थात इसमें कोष्ठक में लिख देना ऊपर से नीचे। जब घटता क्रम पूछा तो कहां से कहां लिखेंगे? ऊपर से नीचे। और तुमसे बढ़ता क्रम पूछा ना, तो बढ़ता क्रम के कोष्ठक में लिख देना नीचे से ऊपर, ये याद रख।
इन दोनों को याद रखते हो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसीलिए इसको काली पेन से लिखो, जब भी देखो समझ में आ जाए। कि ऊपर से नीचे पढ़ोगे तो घटता क्रम होगा, नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो बढ़ता क्रम होगा। उपयोग में दूसरा नंबर लिखो, उसे सवाल पूछ सकता है सीधे सीधे, सक्रियता श्रेणी के चार उपयोग बताइए। ठीक है, हम सब चार लिखवा दे रहे हैं। एक तो तुम्हारा जल वाला पीछे ही हो गया है, हो गया। उसके बाद तुम्हारा इसमें ये सक्रियता ज्ञात करने में हो गया। दूसरा लिखते हैं, दूसरा नंबर, अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन, अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन। अम्ल से ऊपर थोड़ी जल वाला है उसको भी नहीं, तो पीछे लिखवाया कल उसको लिखाए थे जल वाले क्रिया। अरे तो अभी तो गिनती में पहले दूसरा चल रहा था, उसको पहला वहां मान लेंगे पीछे जाके, उसको याद करते समय तुम अभी लिखवा देंगे, उसको भी नीचे वैसे एक लाइन में लिखवा देंगे और रिएक्शन उसका पीछे देख लेना सर। ये भी लिखवाए अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन, नहीं लिखवाए है? हाँ लिखवाए है, नहीं लिखवाए। अच्छा लिखो कि याद आएगा, याद आएगा बताना, नहीं आएगा चलो लिखो। क्या लिखे, अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया ना, तो लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी मतलब सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण हो गया, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। हो गया, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, हो गया ना। कोष्ठक में लिख देना काली पेन से, धातुओं की अम्ल से क्रिया, याद आया, धातुओं की अम्ल से क्रिया। इसके पहले वाले चैप्टर में पहले हम अम्ल ही पढ़े थे, अम्ल का रासायनिक गुण पढ़े थे, वहां पे धातु की अम्ल से क्रिया पढ़े थे। जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है, तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। जैसे हमने लिया Na और इसका क्रिया करा दे HCl, तो ये HCl एक अम्ल है और अम्ल में जो है ये धातु है, तो ये जो धातु है हाइड्रोजन से ऊपर है ना, क्योंकि सोडियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। इसीलिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह अपने चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस H2 बाहर निकलेगा। तो संतुलन के लिए इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, दो, क्योंकि H2 दो है ना, हाइड्रोजन दो है इसमें, पर NaCl भी दो गया, इसके सामने भी दो लगाओगे, सोडियम के सामने भी दो लगाना पड़ेगा, लगाना होगा।
इसी प्रकार अगर हम Mg की क्रिया करें HCl से तो क्या होगा, MgCl बन जाएगा, MgCl2 बनेगा, क्योंकि Mg कौन सा आयन बनाता है, 2 प्लस बनाता है। ऊपर वाले तरह देख के मत कर लेना कि Na हटाया था इसको तो NaCl बना था, इसलिए यहाँ पे MgCl बनेगा, उसकी संयोजकता हुई थी Na प्लस, इसलिए आसान था। Mg2 प्लस बनाता है Cl माइनस, तो इसका इसके नीचे, इसका एक इसके नीचे, दिखाई दे रहा है, सूत्र बन जाएगा तुम्हारा MgCl2 और प्लस क्या बाहर निकलेगा H2, यहाँ पे दो कर दो, संतुलित हो गया, हो गया ना, ये प्रकार से हो जाएगा। और कोई हम ले सकते हो यहाँ पे, बहुत सारी ये डिग्री है, पीछे पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बस यहाँ पे दो थोड़ी चलो बहुत है। अभी यहाँ पे कॉपर ले लेते तो होता है सर, Cu प्लस HCl लेते तो क्या तीर के बाद CuCl2 प्लस H2 बनता, नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे था, इसलिए वो हाइड्रोजन को हटा नहीं सकता, ठीक है, जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील वाले को हटा सकता है, अर्थात जो ऊपर होगा अपने नीचे वाले को हटा सकता है, क्योंकि जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है, तो जो ऊपर है अपने नीचे वाले को क्या कर देगा, हटा देगा, लेकिन नीचे वाला उसके ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा, ये याद रखे रहना, अर्थात कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा क्योंकि कॉपर नीचे है, जबकि सोडियम और मैग्नीशियम ने हटा दिया क्योंकि वो दोनों हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, ठीक है, ये याद रखे रहना, चलो नोट कर लो इसको, अब अगला वाला शुरू करते हैं। चलो अगला नंबर लिखो, अगला उपयोग तीसरा नंबर, तीसरा नंबर लिखेंगे धातुओं के द्वारा धातु आयनों का विस्थापन, धातुओं के द्वारा धातु आयनों का विस्थापन, धातुओं के द्वारा धातु आयनों का विस्थापन हो गया ना। तो अब देखो ये तो लोहे की कील वाला हम पीछे समझे ही थे, ये भी समझ लिए पीछे ही, जैसे हमने वहां पे क्वेश्चन पढ़ा था ना, क्या पढ़े थे, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है, मतलब लोहे की कील अर्थात आयरन कॉपर सल्फेट का विलयन अर्थात CuSO4 डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है, अर्थात FeSO4 प्लस Cu हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें तुम ध्यान से अगर देखोगे तो SO4 पे 2 माइनस था और Cu पे क्या था, 2 प्लस, अभी यहाँ पे Fe पे कोई आवेश था, जब Fe अकेला है तो इस पर कोई आवेश नहीं है, तो ध्यान से समझोगे इसको, ये हो गया धातु अर्थात मेटल, ये हो गया धातु का आयन अर्थात मेटलिक आयन, ठीक है, तो कौन इसको विस्थापित करेगा, धातु धातु आयन को विस्थापित करेगी, हेडिंग का नाम क्या है, धातुओं के द्वारा धातु आयनों का विस्थापन, मतलब धातु बाहर और धातु आयन इसमें अंदर यौगिक में, तो ये धातु क्या करेगी, इस धातु आयन को विस्थापित करेगी अर्थात हटाएगी और अपने जाएगी, तो Fe ने किसको हटाया, Cu को, अर्थात धातु ने किसको हटाया, धातु आयन को हटाया, Cu निकल गया तो Cu केवल बचेगा, Cu2+ अकेले नहीं रह सकता है, यदि Cu2+ था जिसने Fe ने क्या किया, अपना दो इलेक्ट्रॉन त्याग के इसको दे दिया, कहा तुम दो इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम्हारा पेट भर गया, तुम भाग जाओ, हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कैसे हुआ, Fe ने इसको हटाया, हमने क्या पढ़ा था, सक्रियता श्रेणी किस आधार पर बनी थी, धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के आधार पर बनी थी, बनी थी ना, इसमें दोनों में जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, Fe त्यागेगा Cu, Fe त्यागेगा ना, तो Fe जल्दी से त्याग किया तो बोर से जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, और Cu क्या होगा, पीछे रह जाएगा, अब जब Cu पीछे रह गया तो बेचारा मायूस होकर इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, फिर अपना क्या बना लेगा, Cu बना लेगा, हो गया कि नहीं हो गया,
तो कैसे पता चला कि इसमें यक्ति जल्दी से त्याग रहा है? क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर है और कॉपर कहां है? नीचे है। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के घटते क्रम में रखा जाए तब हमें सक्रियता श्रेणी मिलती है ना, मतलब जो जल्दी त्याग रही है उसको ऊपर, जो धीरे त्याग रही है उसको नीचे। तो कौन जल्दी त्याग रहा था इसमें? एफी जल्दी त्याग रहा है इसलिए उसको ऊपर रखा गया, सीयू देर से त्यागेगा इसलिए उसको नीचे रखा गया। तो एफी जल्दी से त्याग रहा है इसलिए एफी इसको हटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 से अपने जुड़ जाएगा और एफी SO4 बन जाएगा, बाकी का बचा हुआ सीयू टू प्लस इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेगा, सीयू। लेकिन अभी हम इसको ऐसे लिखें कि सीयू प्लस एफी SO4, तीर के बाद सीयू SO4 प्लस एफी। तो अगर इसमें देखें तो एफी ने 2 प्लस बनाया था और यहाँ पे सीयू अकेले था, अर्थात धातु था और ये क्या था, धातु आयन। तो इस अभिक्रिया के हिसाब से देखो तो सीयू ने हटाया एफी 2 प्लस को, अर्थात धातु ने यहाँ भी हटाया धातु आयन को और अपने क्या बनाया, सीयू SO4 प्लस एफी। तो क्या ये सत्य होगा, इन दोनों में जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है, एफी त्यागता है, इसका मतलब एफी छोड़ के हटेगा यहाँ से? नहीं हटेगा, ये अपना काम जल्दी कर लेगा तो हटेगा, नहीं हटेगा, ये SO4 के साथ ही जुड़ा रहेगा, अर्थात ये कॉपर इसको नहीं हटा पाएगा और ये अभिक्रिया क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, तो हटाएगा कौन, जो ऊपर स्थित है, हटाएगा किसको, जो नीचे स्थित है। तो हमारा उपयोग क्या बन गया कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु में नीचे स्थित धातु आयन को, नीचे स्थित धातु आयन को उसके विलयन से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। सीधी सी बात हो गया ना, क्या काम करना है हमें, लिखना है, पहले लिखो सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु ऊपर स्थित धातु हो गया, अपने नीचे स्थित धातुओं से अधिक क्रियाशील होती है हो गया ना, अधिक क्रियाशील होती है आगे लिखना अधिक क्रियाशील होती है इसलिए काली पेन से लिखना इसलिए सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं ऊपर स्थित धातुएं अपने से नीचे स्थित धातुओं को एक मिनट, अपने से नीचे स्थित धातुओं के आयन को लिखना, अपने से नीचे स्थित धातुओं के आयन को, धातुओं के आयन को हो गया, उसके विलयन से विस्थापित कर देती हैं, धातुओं के आयन को उसके विलयन से विस्थापित कर देती हैं। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो किसने किसको विस्थापित किया, धातु ने
धातु के आयन को विस्थापित किया, वो भी किस धातु ने विस्थापित किया, जो ऊपर थी, और किस धातु के आयन को विस्थापित किया, जो नीचे थी। तो ऊपर वाले के नीचे जितनी भी हैं सबको विस्थापित कर सकता है, अर्थात ये जो एफी है, एफी के नीचे जितनी धातुएं हैं ये सबको विस्थापित कर सकता है। तो अगर हम कहें तो लिथियम सबको विस्थापित करने की क्षमता रखता है, लिथियम सबको विस्थापित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि लिथियम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है, अर्थात उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। तो लिथियम किसी के साथ जोड़ दो सबको हटा देगा, वो हटा देगा, ये याद रख के रहना, हो जाएगा। तो हम लोग यहां से पहला एग्जांपल इसको लिख लेते हैं, जैसे जैसे लिखो, जैसे CuSO4 के विलयन में आयरन मिलाने पर, जैसे CuSO4 के विलयन में आयरन मिलाने पर जो CuSO4 होता है वो Cu2+ के कारण नीले रंग का होता है। जब Cu2+ हट जाएगा, Cu के रूप में बदल जाएगा, तो उसका नीला रंग खत्म हो जाएगा, बस रंग बदल जाएगा। क्या लिखें? हाँ, CuSO4 के विलयन में आयरन मिलाने पर हो गया आयरन, आयरन अर्थात एफी, एफी लिखते जाओ, हम आयरन बोल रहे हैं तुम लोग एफी लिखते जाओ, हो गया आयरन Cu2+ को, Cu2+ को, Cu2+ को उसके विलयन से, उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, क्योंकि यहां पे किसने विस्थापित किया, एफी ने विस्थापित किया, इसका मतलब एफी ऊपर होना चाहिए, तो है भी ऊपर, तो यही हम कारण में लिखेंगे, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में एफी Cu से ऊपर है, अर्थात आयरन कॉपर से ऊपर है, आयरन कॉपर से ऊपर है, तो जो ऊपर है वो विस्थापित करेगा और जो नीचे है वो विस्थापित होगा। समझो उसको, जो ऊपर है वो विस्थापित करेगा और जो नीचे है वो विस्थापित होगा, अर्थात एफी ऊपर है ना, तो एफी विस्थापित करेगा और Cu नीचे है तो Cu विस्थापित होगा, ठीक है ना, ये चीज को याद रखना है। तो लिख लो इसको, रिएक्शन Fe है प्लस CuSO4 है, क्योंकि CuSO4 के विलयन में आयरन मिला रहा है ना, तीर के बाद बन रहा है FeSO4 प्लस Cu, चाहो तो नीचे वाला भी जैसे बनाया गया वैसे लिख लो, अगर समझना है तो CuSO4 में Cu2+ आयन होता है और SO4 पे 2- होता है, जो Cu2+ है वो धातु आयन है और Fe के नीचे क्या लिखोगे, धातु है, तो किसने किसको विस्थापित किया, धातु ने धातु आयन को विस्थापित किया, हो गया ना। इसी प्रकार से हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, नहीं निकलता तो Cu2+ विलयन में तो हमेशा वो Cu2+ के ही रूप में रहेगा, Fe क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और SO4 के साथ जाके जुड़ जाता है, उसी इलेक्ट्रॉन को Cu2+ ग्रहण कर लेता है और Cu में बदल जाता है, क्योंकि अगर Cu2+ हमारे पास है तो इसके ऊपर दो धनावेश आया ना, धनावेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसका मतलब इसके दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, बेचारे के पास कमी हो चुकी है, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन अगर हम दे दें फिर तो इसका पेट भर जाएगा और फिर ये क्या बना लेगा, Cu बना लेगा, तो वही काम करता है। इसमें जो एफी विलयन में जाता है, एफी क्या करता है, SO4 से जुड़ने के चक्कर में अपना दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और उसी दो इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करता है, Cu2+ ग्रहण करता है। हमने तुमसे कहा क्या, हमने कहा अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, इसने ऋणायन बनाया क्या, तो ग्रहण
ये धातु का आयन है, बात को समझो ध्यान से। हमने धातु को इलेक्ट्रॉन नहीं कहा करवाया, धातु के आयन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाया। हमने क्या यहाँ पे दिखाया तुमको, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कॉपर नहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अर्थात जब उसका पेट खाली हो चुका है तब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। पहले तो त्यागा होगा तभी तो Cu2+ बना होगा, तुम्हारे पास क्या जमीन ही में Cu2+ निकला होगा, पहले तो Cu ही रहा होगा, Cu ने इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा पहले, Cu ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर ही तो Cu2+ बनाया होगा, इसका मतलब ये धातु है तुम्हारा। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन फिर मिल गया तो कहा ले आओ हम ले लेते हैं अपना जो दिया ले लेते हैं, है कि नहीं, तुमने जो दिया था उसने फिर ले लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Cu ने नहीं ग्रहण किया, अर्थात उसकी धात्विक प्रकृति पर कोई आंच नहीं आई। ग्रहण किसने किया था, Cu2+ ने किया था, जब तुमने दिया तुमने अपना ले लिया तो इसमें तुम्हारी प्रवृत्ति कहां से बदली, जब तुमने दिया फिर उसी को ले लिया तुमने, तुम्हारी प्रवृत्ति इसमें बदलेगी क्या, अरे तुम्हारा पैसा था तुमने ले लिया, लालची तो कह नहीं जाओगे, तुम्हारा पैसा था लेने में उसमें लालची कौन से हो गए, हाँ तुम्हारे पास नहीं था बार बार मांग रहे हो, जैसे धातुओं के साथ होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेके रिडायन बना लेती है, क्या उनके पास था पहले, पहले नहीं था, उन्होंने मांग लिया ना किसी दूसरे से, अब उन्हें लालची कहा जाएगा, उनकी प्रवृत्ति बदल गई है, ये याद रखे ना, ये तो इसने अपना पहले दिया था फिर उसी को ग्रहण कर लिया, अर्थात इसी को तो हमने उल्टा कर दिया ना, अभी देखो इधर से इधर लिखे, इसको उल्टा कर दे तो इधर से इधर हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, धातु ही तो रहेगा, उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, याद रखे रहना धातु ही रहेगा वो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉपर ने नहीं ग्रहण किया, क्यूब्रिक आयन ने ग्रहण किया, क्यूब्रिक आयन अर्थात Cu2+ ने ग्रहण किया, न कि Cu ने, Cu तो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो Cu2+ ने ग्रहण करके Cu बना लिया, अर्थात अपनी पुरानी अवस्था में फिर से आ गया, अब अगर फिर कोई मांग नहीं आएगा फिर कारण